और बात कर लो अंधर गंध भक्तों, सुन लो इधर आओ। क्या है ना कि विदेशों से, मतलब मुसलमानों के देश से जो 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है ना, लेना मत है सनातनियों, तुम लोग लेना मत। तुम लोग को तुम्हारे धर्म की कसम है, सौगंध है तुम्हें इस मिट्टी की, वो सब लेना मत। क्या है ना, उसमें मुसलमानों ने जमजम का पानी मिलाया है। तुम सब मुल्ले बन जाओगे यार, सब मुल्ले बन जाओगे, कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ, विदेशों से जो 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा कोई? हाँ, अब देश भर कहाँ गया वो सनी देओल जो पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाया था? वो सनी देओल कहाँ गया? अब कहाँ गई वो कंगना खनकाने वाली कंगना रनावत? कहाँ गई वो? अब नहीं आएगी मोदी जी की बेटी लाडली, नहीं बोलेगी क्या? अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या? क्या? और वो कहाँ गई चूड़िया भेजने वाली भैंसिया? कहाँ गई वो चूड़िया भेजने वाली? क्यों? अब जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या? सबकी चिता जलाकर जो है आबादी कम करने वाला कार्य बहुत अच्छा लग रहा है तुझे, तो तू चूड़िया नहीं पहनाएगी प्रधानमंत्री को? हाँ, दिखती नहीं हो। और वो सब कहाँ गए? वो करणी सेना, फलाना सेना संगठन और हिंदू वाहिनी, जय श्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहाँ घुस गए? और वो जो आधी चड्डी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले आधे नंगे सब, आधी चड्डी जो खाकी चड्डी पहनने वाले थे वो सब, वो कहाँ गए सब? हाँ, संगठन वाले नहीं दिख रहे वो सब ना? हाँ, कहाँ गए वो? तो सब जो है हिंदू है, हिंदू बचाओ, हिंदू खतरे में है। अब कौन खतरे में है? किसकी चिताएं ज्यादा जल रही है? कौन खतरे में है? अब नहीं दिखाई दे रहा क्या अंधो? नमस्कार, मैं काजल निषाद। सिस्टम बाबू भैया, सिस्टम। सिस्टम के चक्कर में जो पड़ा ना, वो चिंता के मारे चीता भी बन जाता है। सिस्टम है ना, क्या होता है ये सिस्टम? क्या होता है ये सिस्टम बताओ? तंत्र, कार्य प्रणाली, रीति नीति, क्या होता है ये सिस्टम? कौन बनाता है ये सिस्टम? देखो मुझे नहीं पता है मीडिया वाले जो है वो अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, और पिताजी के कार्य को या पिताजी द्वारा किए हुए कार्य को ये सिस्टम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जब एक गांव है और गांव की कोई समस्या होगी तो क्या करना चाहिए? प्रधानी का कोई चुनाव होगा, है ना, सब लोग वोट देंगे, फिर वोट की गिनती होगी और बाद में देखा जाएगा कि कौन प्रधान चुना गया, और फिर वो प्रधान जो है वो गांव को संभालेगा। ठीक है, ऐसे ही होते हैं, पार्षद होंगे, जिला पंचायत जो होंगे वो होंगे, है ना, ऐसे ही सारे होंगे ना। विधायक अपने क्षेत्र को संभालेगा, सांसद अपने क्षेत्र को संभालेगा, है ना, मुख्यमंत्री राज्य को संभालेगा, और फिर प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालेगा। योगा सिस्टम है ना। तो वर्तमान में देश को कौन संभाल रहा है? वर्तमान में राजा कौन है देश का? हाँ, मोदी जी ना, मोदी जी है ना। तो सिस्टम कौन हुआ? मोदी हुआ ना, सरकार ही सिस्टम हुआ ना। हाँ नहीं, तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्या है ना, मीडिया जो है वो अपने पिताजी का नाम नहीं लेंगी, वो सब जानेगी पर नहीं लेगा। कैसा सिस्टम है ये? कैसा सिस्टम है ये? कैसा सिस्टम है ये कि अभिनेता में सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद ने ही ठेका लेके रखा है भारत की जनता की मदद करने का, और बाकी वो लोग सब कहाँ गए? वो कहाँ गया अक्षय कुमार, हाँ, जो मोदी जी को आम चुसवा रहा था? कहाँ गया वो अक्षय कुमार जो देशभक्ति के जो बहुत सारे पिक्चरें करता है, और हम लोग बहुत सारा प्यार देकर सिनेमा में उनकी पिक्चर हिट बनाते हैं और हम कहते हैं कि बेचारा देशभक्त है? और कहाँ गया वो सनी देओल जो पाकिस्तान से नलका उखाड़ लाया था? वो सनी देओल कहाँ गया? अब कुछ नहीं बोलेगा क्या? हाँ, विदेशों से जो 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा कोई? हाँ, अब देशभक्ति नहीं जग रही है? और अजय देवगन कहाँ गया? अजय देवगन ने तो जो है भगत सिंह का रोल किया था ना, देशभक्ति का जो है पूरा पिक्चर बनाया था, क्यों अब देशभक्ति नहीं जग रही है? ये सब जो है कीड़े, जब बाहर से कोई ट्वीट करेगा तभी ये सब कीड़े बाहर निकलेंगे क्या? तब ये कहेंगे हमारा अंदरूनी मामला है, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा महानायक जिसको हमने बनाया, अब नहीं एक ट्वीट करेगा? अब नहीं एक ट्वीट करेगा? हाँ, अब इनको महंगाई नहीं लग रही है, इनको जो है सड़कों पर किसान नहीं दिख रहे हैं, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, देश जो है विश्व गुरु लग रहा है क्या इनको? या चिताएं नहीं दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा इनको? अब नहीं ये बोलेंगे, देशभक्त बनते ये। और कहाँ गई वो?
कंगना खनकाने वाली कंगना रनावत कहाँ गई? वो अब नहीं आएगी, मोदी जी की बेटी लाडली नहीं बोलेगी क्या? अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या? क्या है ना कि तुम लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन विदेशों में भी जो है डंका बज रहा है पिताजी का, अच्छे से थू थू हो रही है, बहुत अच्छे से थू थू हो रही है। और वो कहाँ गई चूड़िया भेजने वाली भैंसिया, कहाँ गई वो चूड़िया भेजने वाली? क्यों अब जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या? सबकी चिता जलाकर जो है आबादी कम करने वाला कार्य बहुत अच्छा लग रहा है तुझे, तो तू चूड़िया नहीं पहनाएगी प्रधानमंत्री को? हाँ कहाँ और किसके नाम की चूड़िया पहन के बैठ गई बहन तुम? तुम तो मिलती ही नहीं हो, दिखती ही नहीं हो। और वो सब कहाँ गए? वो करणी सेना, फलाना सेना संगठन और हिंदू वाहिनी, जय श्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहाँ घुस गए? और वो जो आधी चड्डी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले आधे नंगे सब, आधी चड्डी जो खाकी चड्डी पहनने वाले थे वो सब, वो कहाँ गए सब? हाँ संगठन वाले नहीं दिख रहे वो सब ना? हाँ कहाँ गए वो? तो सब जो है हिंदू है, हिंदू बचाओ, हिंदू खतरे में है। अब कौन खतरे में है? किसकी चिताएं ज्यादा जल रही है? कौन खतरे में है? अब नहीं दिखाई दे रहा क्या अंधो? और सिर्फ सोनू सूद को जो है सैल्यूट है, सिर्फ सोनू सूद आगे आया है। श्रीनिवास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ वो ही आगे आ रहे हैं। देखो क्या हालत बना दी। और पीएम केयर फंड कहां घुस गया भाई? पीएम केयर फंड जो है किसकी जेब में घुस गया है? पीएम केयर फंड हमने जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अभी दिया है, तो पहले क्यों नहीं दिया? मतलब सेव रखा था तुम लोगों ने, और तुमको बताना नहीं है कि पीएम केयर फंड था। और बहुत सारे तुम्हारे नेता वेता अंध गंध सब जो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत सारा मदद किया, और 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया? अभी तक अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, बेड्स नहीं है, कहीं बेड्स मिल नहीं रहे हैं, दवाई उपलब्ध नहीं है, कई कई दवाइयों के जो है 20,000 रुपए ले रहे हैं, तो ये सब कहां गया? पीएम केयर फंड और 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया था कहां गया? और अब निकल रहा है, मतलब पहले तुमने सेव करके रखा था है ना। पीएम केयर फंड में एक छोटी बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर भी 5,100 रुपए दिए थे पीएम केयर फंड में। अरे शर्म करो, गुल्लक जो बच्ची है ना क्यों भरती है? कोई मेहमान आता है तो पैसे देकर जाता है, या मम्मी ने दिया होता है या डैडी ने दिया होता है। रक्षाबंधन में बच्चियां बचा कर रखती है गुल्लक में कि कभी कोई मेरे परिवार पर आपदा आएगी, या मम्मी डैडी का जो है एनिवर्सरी आएगा तो मैं गिफ्ट दूंगी, या मैं कभी पिकनिक जाऊंगी मैं ये ड्रेस खरीदूंगी, मैं ऐसा लहंगा चोली खरीदूंगी शादी में पहनने के लिए। ऐसा ही कुछ बच्चियों के मन में होता है ना, गुल्लक भरती है तो मैं इससे ये वाला चीज खरीदूंगी, ऐसा गिफ्ट खरीदूंगी, है ना। अरे प्रधानमंत्री शर्म करो, डूब मरे मेरे वर्तमान सरकार, डूब मरे। बच्ची ने गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में डाला था, जैसे पीएम केयर फंड में तुमने झोली फैलाई थी ना कि हाँ दे दो फंड दे दो। सारे अभिनेताओं से भी मांगे थे तुमने, कई करोड़पति लोगों से भी मांगे थे तुमने, वो उस फंड में वो बच्ची ने गुल्लक तोड़कर पैसे दिए थे। आज वो बच्ची बिना ऑक्सीजन के चली गई, बिना ऑक्सीजन के तड़पता रह गया उसका पिता, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे पाया हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राजा ऑक्सीजन नहीं दे पाया, और उस बच्ची ने दिल खोलकर अपना गुल्लक तोड़कर भी पीएम केयर फंड में पैसा दिया। और ऐसे तो बहुत से लोग और बहुत सी बच्चियां जिनका नाम हमने पेपर में नहीं पढ़ा, जो सामने नहीं आई, उन लोगों ने भी पीएम केयर फंड में पैसा दिया था। और देखिए हालत, मतलब अर्थियां जलाने के लिए भी लोग जो है 5,000 वसूल रहे हैं, एम्बुलेंस वाले जो है वो पैसे वसूल रहे हैं, हाँ मुंह दिखाने के पैसे ले रहे, लाश के मुंह दिखाने के, जैसे दुल्हन का मुंह दिखाई होता है ना वैसे मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के। उसके बाद भी लोग पैसे भर के भी जब लाश को देखते हैं तो वो उनकी बॉडी नहीं होती है। एक भाई का वीडियो तुम लोगों ने देखा कि नहीं, कितना रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि ये मेरी बॉडी नहीं है, मेरे परिजन की वो बॉडी नहीं है, वो बॉडी कहाँ है जिसके लिए मैंने पैसा भरा। तुम लोगों ने पैसा लिया, पहले तो दवाई को लिए पैसा लिया, इतने सारे मैंने दवाई करवाई, उसके बाद आदमी चला गया और ये बॉडी उसकी नहीं है। और बिहार की घटना तुम लोगों ने देखी कि नहीं, दो भाई थे सगे, एक भाई को कोरोना हुआ, बिना ऑक्सीजन के वो भाई गुजर गया, और उसको गुजरता देखकर वो दूसरे भाई को तुरंत अटैक आ गया और वो भी वहां पर गुजर गया। मैंने पहले ही कहा था कि क्या है ना कि परिवार में कोई जब गुजरता है ना तो
सिर्फ वो अकेला नहीं गुजरता है, परिवार भी गुजर जाता है। उन पर क्या बीतती है, वो क्या, कितना उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, सिर्फ वो ही समझ सकता है। ये हमारे जो है औलाद सरकार क्या समझेगी भाई, हाँ सरकार का जो है कोई नहीं है, घर बार छोड़कर भाग गए थे, पत्नी को छोड़कर भाग गए थे, औलाद नहीं है, इनको कैसे समझ में आएगा। बुढ़ापे में इतना सुख इनको मिला है, हाय रे मेरे काजू की रोटी चली जाएगी, हाय रे मेरा मशरूम का सब्जी चला जाएगा, क्या करूंगा मैं, इस्तीफा नहीं दे रहा है, देखो नहीं देगा। ये हमारा राजा जो है इतने बेशरम है, इस्तीफा नहीं दे रहा। कोई दूसरा होता ना अगला तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देता कि भाई बस। हमारे पिछले नेता जो थे, कोई रेल दुर्घटना हुई थी तो तुरंत इस्तीफा दे दिए थे कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये मेरे अंडर में आता है। लेकिन हमारा राजा इतना बेशरम है, इस्तीफा नहीं दे रहा है। और हाई कोर्ट के और जज जो है वो सब क्या कहते हैं, चुनाव आयोग की गलती है, सिर्फ चुनाव आयोग की गलती है। हाँ, और चैनल्स कहते हैं सिस्टम जिम्मेदार है। कौन है ये सिस्टम, मैं आपको बता दूं, सिस्टम है और सरकार है। सरकार कौन है, भाजपा की, भाजपा की सरकार है तो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी मोदी ही सिस्टम है, याद रखिए। आपको भटकाने की कोशिश करेंगे ये मीडिया वाले, ये चाटुकार है, इनको चेक मिल जाता है, इनका परिवार सुखी है, और इनको कोरोना हो भी गया ना तो इनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा, इनको दवाई अवेलेबल हो जाएगी, इनको बेड्स मिल जाएंगे, अस्पताल मिल जाएगी, इनको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सर पे हाथ जो है ना वो प्रधानमंत्री का है। आप लोग के सर पे हाथ थोड़ी प्रधानमंत्री का है, इनको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए चाटुकार अपने पिताजी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ही मोदी और मोदी ही सिस्टम है, और सिस्टम करप्ट हो चुका है, यानी मोदी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। मोदी हमें इस्तीफा दे, कैसे भी करके अब हमें ये इस्तीफा दे, बस बस ये हमें इस्तीफा दे। क्योंकि क्या है ना, जब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत थी, जब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत थी तो मोदी जी अपने दोस्त के लिए अनाज भरने के लिए गोदाम बना रहे थे, वो जरूरी था, वो दोस्ती निभाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये बिल्कुल गाना गाते हुए ये दोस्ती वो निभाएंगे। बाकी जनता जाए भाड़ में, चिता जलती है तो जले, नष्ट होता है तो हो, बनारस भी अगर नष्ट होता है तो वहां का जो सांसद है वो भी तो प्रधानमंत्री है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ गंगा का बेटा जो है ना वो हत्यारा हो चुका है, वो उनकी सुनने की क्षमता चली गई है, देखने की क्षमता चली गई है, कुछ दिखाई नहीं देगा। जनता जलती है, मरती है, कटती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनको। गंगाराम अस्पताल में चाहे 25 लोग मर जाए, या फलाना अस्पताल में चाहे 20 लोग मर जाए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डिकाना हॉस्पिटल में चाहे कितने लोग मर जाए, चाहे कितने भी लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। फिर भी हमारे जो है योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे सब कुछ चंगा है, सब ठीक है, नहीं कोई पंगा नहीं है, सब चंगा है, यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति एकदम भरपूर है, यहाँ पे जो है दवाई भी भरपूर है, बेड्स भी है, अस्पताल है, ये सब सिर्फ पेपरों में, सिर्फ सुर्खियों में, सिर्फ पेपरों में और कागजों में ही रह जाता है। असलियत में जमीनी हकीकत सोशल मीडिया पर आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल में जब ये कहा जाता है कि बस अब 20 मिनट का जो है ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है, सोचो सोचो किसी के दिल पर क्या गुजरती होगी जब कोई अपना किसी का भर्ती होगा और उसे पता चलेगा कि बस बस अब सिर्फ 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद ये जो मेरा सगे वाला है, ये जो मेरे घर का सदस्य है वो चला जाएगा, 20 मिनट के बाद इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। सोचो क्या गुजरती होगी मन मस्तिष्क पर, क्या गुजरती होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेताओं को। और नेता भी तो हमने ही चुने ना, हमने मांगे ही कब थे, मैं यही कह रही हूं, हमने कब मांगे थे, हम दवाइयों के लिए कब लड़े थे, अस्पतालों के लिए कब लड़े थे, हम शिक्षा के लिए कब लड़े थे, हम लड़े ही कब थे सड़कों के लिए या पानी के लिए या किसी और चीज के लिए, हम लड़े ही कब थे, हमें तो मंदिर चाहिए था ना, आज वो मंदिर बंद है, वो सारी चीजें आज बंद है, जो हमने मांगी थी वो सारी चीजें बंद है, और जो हमने नहीं मांगा था आज उसकी किल्लत है, आज उसकी किल्लत है, आज उसकी किल्लत है। जैसे ही मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत थी, पता नहीं मोदी जी कहां विदेशों में घूम रहे थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जीवन सुखी से चल रहा है ना, भाजपाइयों का जीवन सुखी से चल रहा है ना, मंत्री संतरी जितने भी है, मुख्यमंत्री भाजपाइयों के सबका जीवन अच्छे से चल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसान कितने ही महीनों से मर जाए, बिछ जाए, गल जाए, शहीद हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की चिंता से चिता में तब्दीली हो जाए, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
इनको फर्क कब पड़ता है, जब कोई मुख्यमंत्री जो है वो इनकी आपसी बातचीत लाइव कर देता है, तब इनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है। बाकी इनका प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं होता। ये जो है ऑनलाइन टीवी पर जब आते हैं तो मास्क लगा कर आते हैं कि नहीं नहीं मैं देखिए बिल्कुल जो है पालन करता हूँ नियमों का, है ना। रैलियों में बिना मास्क के चले जाएंगे, कोई उल्लंघन नहीं, कुछ नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या पुलिस वाले भी जो है इन पर कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे कि क्यों तुमने उल्लंघन किया, चलो 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 1,000 निकालो, चलो 10,000 निकालो। ये सिर्फ आम जनता के लिए है ना। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातचीत लाइव हो जाएगी तो अरे बाप ऐसे कैसे कर दिया अरविंद जी तुमने, ऐसे कैसे लाइव बता दिया जनता को, ये तो सब गुप्त बातें होती है ना। जो मतलब पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो भी तो जनता के जो सूचना के अधिकार के दायरे के बाहर ही रखा है ना, जनता को नहीं बताना है, वो सब नहीं बताना है कहाँ खर्च करेंगे वो, क्योंकि खुद का ऐशो आराम भी नहीं कर पाएंगे ना जनता के पैसे से। मुझे इतना ही पता है कि जो भी इनके बीच बातचीत हो ये सब लाइव होनी चाहिए। जनता के बारे में थी तो जनता को पता होना चाहिए कि ये बातचीत क्या हो रही है, क्यों संसद में तो सब लाइव दिखाया जाता है, फिर काहे का डर। हाँ यहाँ रट्टा नहीं मार के आए थे ना, यहाँ तुम रट्टा नहीं मार के आए थे ना कि भाई बातचीत जिस पर हो रही है मैं उसके बारे में पहले मतलब पता कर लूं, बंगाल के बारे में हो तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता कर लूं, गुजरात के बारे में बातचीत हो तो मैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में जरा पता कर लूं, है ना, डॉक्टर्स के बारे में हो तो जरा मैं दवाइयों के बारे में पता कर लूं, साइंटिस्ट की मीटिंग हो तो मुझे जरा गटर से गैस कैसे निकाला जाए और कैसे ऑक्सीजन पैदा किया जाए मैं जरा इसका रट्टा मार लूं, है ना। ये सब नहीं हो पाता ना लाइव में। लाइव में तो लाइव बातें जाती है ना, जो आपके मन में हो निकल जाता है ना। जैसे वो कौन है वो मामा, उसके उसके मन से निकल गया ना कि हम अभी चुनाव के बारे में सोच रहे, क्या है ना मन में जो चीजें होती है ना वो निकल जाती है, चाहे कितना ही तुम लोग जुल्म करो लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रखना प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है, चाहे तुम 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर विदेशों में दे दो लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब चलेगी ना आवाज नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा कि लकड़ियां भी नसीब नहीं होगी, इतनी गंदी मौत मरोगे ना, इतनी गंदी मौत मरोगे अगर देश के साथ गद्दारी करोगे तो। और मैं एक और बात कर लूं, अंध और गंध भक्तों सुन लो, इधर आओ। क्या है ना कि विदेशों से मतलब मुसलमानों के देश से जो 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है ना, लेना मत है सनातनियों, तुम लोग लेना मत, तुम लोग को तुम्हारे धर्म की कसम है, सौगंध है तुम्हें इस मिट्टी की, वो सब लेना मत। क्या है ना उसमें मुसलमानों ने जमजम का पानी मिलाया है, तुम सब मुल्ले बन जाओगे यार, सब मुल्ले बन जाओगे। हाँ तो क्या करोगे फिर, है ना, इसीलिए वो छूना नहीं, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, देशभक्त जो है ना, जो देशवासी है ना, जो जनता है ना, उन लोग के लिए, गंध और अंध के लिए नहीं है, ठीक है ना। और मैं सारे साथियों से कह देती हूँ, कहीं भी तुम्हें अंध और गंध मिल जाए ना, दौड़ा दौड़ा कर इनका स्वागत करना अच्छे से। क्या है कि देश को बर्बाद करने में ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री है, हमारे देश का राजा है, याद रखना।